वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ तांडे सर। तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है आर्मी बेस वर्कशॉप की। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा या बीए बीटेक किया हुआ है, उन कैंडिडेट के लिए ये बहुत अच्छी अप्रेंटिस की वैकेंसी है। इसमें आर्मी बेस वर्कशॉप होती है और वर्कशॉप में अप्रेंटिस आप कर सकते हैं। तो इसकी वैकेंसी जारी की गई है। इसमें 508 आर्मी बेस, इसका देखेंगे आप तो 508 आर्मी बेस वर्कशॉप अप्रेंटिस 2024, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा बीबीटेक बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए अप्रेंटिस 2024 जारी की गई है। चलिए, यदि हम इसे फुल डिटेल की बात करें तो फुल डिटेल में 508 आर्मी बेस वर्कशॉप अप्रेंटिस 2024 निकाली गई है। और इसमें 508 आर्मी बेस वर्कशॉप प्रयागराज की ओर से आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई, जिसका ऑफलाइन फॉर्म 27/5/2024 तक भरना है। और 508 आर्मी बेस अप्रेंटिस के लिए आईटीआई पास मोटर, ठीक है, आईटीआई पास मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड, इलेक्ट्रिकल बाइंडर मैकेनिक, आरएसी, ड्राफ्ट्समैन, प्लम्बर, मटेरियल हैंडलिंग, कोपा ट्रेड भर सकते हैं। और डिप्लोमा बी बीटेक बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए। चलिए, अब ये तो हो गई अप्रेंटिस की। इंडियन आर्मी वर्कशॉप प्रयागराज के लिए अप्रेंटिस कहाँ होगी? इंडियन आर्मी प्रयागराज में। रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिस, टोटल पोस्ट है नॉट डिस्क्लोज्ड, जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाएं। क्वालिफिकेशन आईटीआई पास होना चाहिए। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट अभी आने को है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27/5/2024 है। अब इसमें इंडियन आर्मी अप्रेंटिस का क्वालिफिकेशन यदि हम देखें, इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, आईटीआई पास आउट इन फॉलोइंग ट्रेड से होना चाहिए, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, इलेक्ट्रिकल बाइंडर मैकेनिक, आरएसी, ड्राफ्ट्समैन, प्लम्बर, मटेरियल हैंडलिंग, कोपा, और बीटेक में डिप्लोमा बीटेक बीए बीएससी होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। यदि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर चल सकता है। इसके बाद 508 आर्मी बेस अप्रेंटिस सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न एग्ज़ाम रिजल्ट, और फिर ज्वाइनिंग होगी। अब इसमें 508 आर्मी बेस अप्रेंटिस एप्लीकेशन बात करें तो इसकी प्रोसेस आप देखेंगे तो आईटी पास अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द अप्रेंटिसशिप डॉट इंडिया डॉट ओ आर जी, ये इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाना है आपको और फॉर्म भरना है। आर्मी बेस अप्रेंटिस एप्लीकेशन की प्रोसेस है। इसमें डिप्लोमा पास के लिए बी बी टेक बी एस सी बी कॉम बी बी ए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से वेबसाइट दी हुई है। इस mhrd.nats.gov.in पर आपको जो डिप्लोमा और बी टेक वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग ही साइट दी हुई है। एप्लीकेशन सेंड थ्रू द स्पीड पोस्ट ऑन द गिवन एड्रेस, मतलब आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, मतलब भिजवा सकते हैं, और ऑफलाइन भी भिजवा सकते हैं। आल्सो अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यदि ऑफलाइन भी जाते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। चलिए, एड्रेस क्या होगा? तो एड्रेस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको भिजवाना है। तो यहाँ पर ये एड्रेस है, समादेशक एवं प्रबंधक निर्देशक 508 आर्मी बेस वर्कशॉप छिवक्की प्रयागराज, जिसका जो कोड है 212105 है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा आप देख लीजिए। अप्रेंटिस प्रोफाइल का प्रिंट आउट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और आपका बायोडाटा, ये पूरी चीज़ आपको भिजवाना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट, जब आप साइट ओपन करेंगे आर्मी बेस वर्कशॉप की, तो ये डायरेक्ट वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। आईटीआई बेस पर यदि आर्मी बेस वर्कशॉप से आपको अप्रेंटिस करना है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।